इस रूप में नहीं है, सर्वम हर जगह व्याप्त है, वो कण कण में समाया है, वो तो हर एक रूप में। वो कह रहे हैं आपन रूप, अपना रूप दे दो। बोले अपना कौन सा, स्पेशल तो नहीं कहा ना, बोले अपना रूप दे दो, उसके बगैर उनको मैं पा नहीं सकता। उसके बाद जो नारद जी महाराज ने कहा वो गजब की बात है, जीवित होय नाथ हित मोरा, अबोध बच्चे को पता नहीं होता कि गर्म दूध पीना चाहिए कि ठंडा, नादान शिशु को पता नहीं होता कि गर्म रोटी खानी चाहिए या ठंडी, नादान शिशु को नहीं पता होता कि चूल्हे के पास नहीं बैठना है, बैठेंगे तो कुछ गड़बड़ कर देंगे। ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है बोलिए, माता की, पिता की, उन्हें ज्यादा पता है। नारद जी महाराज मानो ये इशारा कर रहे हो, मैं अबोध बच्चा हूं, हो सकता है मुझे ये पता ही ना हो कि मेरा हित किस में है, पर आपको तो पता ही होगा मेरा हित किस में है। गजब की बात है, मानो वो कह रहे हो आप वो मत करना जो मैं कह रहा हूं, आप वही करना जो मेरा हित में हो। और प्रमाण के लिए नारायण भगवान ने भी कह दिया, एविध हित तुम्हार में ठयहु, कितना स्पष्ट नारायण ने कहा, कुपत मांग रुज व्याकुल होगी, कुपत मांग रुज व्याकुल महाराज। क्या करें भगवान, शुगर हो किसी को और डॉक्टर से कहे मुझे आम खाने, मुझे रसगुल्ला खाने, अग्रवाल साहब को मना करो आम मत खाओ, उनको लगता है कि भी यार हमारे पटका आम कोई और ना खा जाए। अरे भाई आम में सबसे ज्यादा शुगर होता है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड। शुगर वाले को मीठा खाने के लिए मना कर दो, वो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको। रसमलाई, इसमें तो शुगर फ्री, अरे शुगर फ्री का है, शुगर फ्री जब शुगर है ही नहीं तो फिर रसमलाई का ही की, और अगर उसमें रस है तो फिर खाई क्यों। लेकिन नहीं, लोग अपना अपना आलू, आलू शुगर फ्री आ गया आजकल, आलू बोलो पता नहीं क्या क्या कट डालेंगे ये दुनिया वाले। वैद्य से कोई रोगी कुपत, मतलब जो उस रोग में नुकसान दे, वो मांगे खाने के लिए, चतुर वैद्य उसे वो खाने को नहीं देते जो वो रोगी मांगता है। हाँ जी कि ना जी, जवाब दो जी, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, राम जन्म करना आज, बोलो। हाँ जी, इसका मतलब क्या था? नारायण ने सीधे सीधे कह दिया, मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा जो तुम मांग रहे हो। तुम देवी जी से विवाह करना चाहते हो, मैं वो होने नहीं दूंगा। अरे एक दिन देख आए तो तुम इतने वर्षों की तपस्या डगमगा रहे हो, ये मेरा काम है। जब भक्त डगमगाने लगता है तो उसकी जिंदगी, उसके जीवन का भार ठाकुर अपने हाथ में संभाल लेता है, चाहे उसके लिए मुझे ही क्यों ना कट, वो भगवान कहता है। नारद जी ने कहा था जिसमें मेरा हित हो वही करना, भगवान बोले तेरे हित में मेरा नुकसान होगा पर फिर भी मैं करूंगा। और क्या दे दिया, विष्णु बनने आए थे बंदर बना दिया। लेकिन देखो भगवान को कितनी चिंता है अपने भक्तों की, गजब की चिंता है। बंदर किसके लिए बनाया, सिर्फ उस विश्व मोहनी के लिए, बाकी के सब के लिए बोले सिर्फ नारद के रूप में सबने देखा, बंदर के रूप में किसी ने नहीं देखा नारद जी को। नारद जान सवई सिर नावा, जब वापस पहुंचे सभा में उनको लगा नारद जी वापस आए हैं, सबने प्रणाम किया। अब नारद जी को गलतफहमी क्या हो रही है, ये लोग ये समझ रहे हैं कि मैं विष्णु हूं। लेकिन वहां पर दो लोग हैं जो सब जानते हैं, वो है भगवान के दो दूत, शिव के दो दूत। उनने कंपेयर कर दिया नारायण से, आ आपकी दंतावली बड़ी सुंदर है,
आपके नेत्र आहा कमल की तरह शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। महाराज चिंता ही मत करो, विवाह आप ही का कन्फर्म है, ये तो फॉर्मेलिटी होगी इधर थोड़ी बहुत, आप टेंशन मत लो, आराम से बैठो। और जैसे ही कन्या माला लेकर हाथ में भ्रमण करने निकली, राजकुमारों को देखने निकली, पुण्य पुण्य मुनि उग सही अकुलाई, अरे थोड़ा मुझे इधर आओ ना, उधर क्यों जा रही हो, विष्णु तो इधर है, उधर मत जाओ। जिसकी शादी को ज्यादा दिन हो जाए और अचानक से उसकी शादी की बात होने लगे तो स्वप्न में वो घूमाता है देश विदेश, इवन बच्चे भी पापा पापा कह देते उसे, किससे, जिसकी शादी में थोड़ा विलंब हो रहा हो और फिर शादी के लिए कोई एक आ जाए, मन ही मन में सोच लेता है घूमने कहां जाऊंगा, ये करूंगा, वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, बच्चों का ये नाम रखूंगा पप्पू, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब नारद जी महाराज बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भगवान नारायण वहां पर मानव रूप धारण करके गए, भगवान को तो माया पहचानती है, झट उन्होंने वो माला उनके गले में धारण करा दी। और जब नारद जी को ये वृतांत पता चला तो पहले तो साप दिया उन दोनों शिव दूतों को, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, तुम दोनों को साप देता हूं तुम्हें राक्षस होना पड़ेगा, तुमने सब कुछ जानते हुए भी संत का अपराध किया है, संत का मजाक उड़ाया है, तो हम तुम्हें साप देते हैं तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। और अब क्रोधित होकर जा रहे हैं नारायण भगवान के पास, दय हो श्राप के मरे हो जाई जगत मोर उपहास कराई, या तो उनके द्वार पर प्राणों का परित्याग कर दूंगा या साप दूंगा उनको, उन्होंने मेरा जगत में बहुत बड़ा उपहास किया है, बहुत बड़ा उपहास करवा दिया है, अब नहीं रहूंगा, अब नहीं। अब क्रोध में आके न जाने क्या क्या लोग बोलते ही हैं, इसीलिए क्रोध पे काबू रखना चाहिए। एक बात बता दें, क्रोध और तूफान, तूफान और क्रोध जब दोनों शांत हो जाते तब पता चलता है कितना नुकसान हुआ। हाँ जी कि ना जी, प्रमाण है 5 तारीख, प्रमाण है 9 तारीख, और क्रोध का प्रमाण तो हर दिन का है ही है। जब शांत हो जाए तब पता चलता है, और जब तक आ रहा होता है तब तक तो कोई कहीं सब जान बचाने में लगे रहते हैं। आज देवर्षि नारद को बहुत क्रोध आ रहा है, और जब देवर्षि नारद को क्रोध आ रहा है महाराज, तो बीचै पंथ मिले अनुजारी, बीचै पंथ मिले महाराज। इतना क्रोधित होके जा रहे थे, भगवान ने सोचा ये क्रोध में आके कहीं लंबी प्लानिंग न कर लें, मुझ तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर लेंगे, तो बीच में मिले, और ये भी कम लीला में नहीं है साहब, अकेले आ जाते तो भी कुछ काम चल जाता, अकेले नहीं आए तो और क्रोध आ गया और भड़क गए महाराज। परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सर पे कोई नहीं है, जो तुम्हारे मन में आता है वही कर डालते हो, भले को बुरा बुरे को भला, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, जो भी अच्छा लगता है, समुद्र मंथन में भी जो लक्ष्मी जी निकली तो खुद के पास रख ली, विष निकला तो शिव को पिला दिया, और तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, सबका भला बुरा करना तुम्हारे एक क्षण की बात है, पर ये ठीक नहीं है। आज तुमने अच्छा नहीं किया, आज तुमने भले घर में निमंत्रण दिया है, पावोगे फल आपन कीना। हे नारायण, मुझे और जैसा मत समझना,
आज आपको आपके कर्म का फल भोगना होगा। आज साप दूंगा मैं आपको, वंचेहु मोहि जवन धर देहा सोई तन धरऊ साप मम। मैं आपके पास आया एक स्त्री को मोहने के लिए, एक रूप पाने के लिए, और आपने मुझे बंदर बना दिया और खुद चले गए, खुद चले गए वहां। एक तो कुरूप बना दिया, ऊपर से खुद चले गए और उसका वरण भी कर लाए, और वो भी मानव बन कर गए। तुम्हें ये मानव का तन बहुत प्रिय है ना, तो मैं तुम्हें साफ देता हूं कि तुम्हें मानव तन धारण करने के लिए इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा, मानव तन धारण करना पड़ेगा। ये मेरा पहला साफ है। दूसरा, कपि आकृति तुम कीन हमारी करी हई कीस सहाय तुम्हारी। आपने मुझे बंदर बना दिया, क्या सोच के, क्या सोच के बंदर बनाया आपने मुझे? यही कि बंदर बहुत कामी होता है, बंदर बड़ा लोलुप होता है, ये सोच के आपने मुझे बंदर बना दिया। तो एक नारायण, मैं आज आपको साफ देता हूं, विपत्तियों के बादल जब घिर के तुम्हारे सर पे आएंगे, अगर कोई काम आएंगे तो ये बंदर ही तुम्हारे काम आएंगे। ये मेरा साफ, तुम्हारी विपत्ति के समय ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिनको तुमने आज कमजोर समझा, मुझे बंदर बना दिया। तीसरा साप, मम अपकार कीन तुम भारी नार बिरह तुम हो दुखा। तुम क्या जानो स्त्री वियोग किसे कहते हैं नारायण? तुम्हारे पास तो दो दो है ना, इधर देखो तो इधर, इधर देखो तो इधर, हमें देखो, हमारे पास एक भी नहीं। तो स्त्री का वियोग तुम नहीं जानोगे, स्त्री का वियोग वही जानता है जिसके पास स्त्री नहीं है। हम तुम्हें साफ देते हैं कि तुम्हें भी इस स्त्री वियोग का सामना करना पड़ेगा। जब तुम्हारे मानव रूप में जब तुम जाओगे तो तुम्हारी भी पत्नी का हरण होगा, तब तुम्हें पता चलेगा स्त्री वियोग किसे कहते हैं। और इस तरह से मेरे प्रभु नारायण भगवान ने सोच लिया, ये तो बहुत हो गया, अब एक अवतार में तीन सांप बहुत हैं। प्रभु ने अपनी माया को दूर किया। जब हरि माया धोरे निवारी, जब हरि माया धोरे निवारी, नहीं तहरा माना राज कुमारी, नहीं तहरा माना राज कुमारी, तात सुनहु सादर मन लारी, कहु जब प्रभु ने अपनी माया को दूर किया तो न तो वहां रमा थी न वो विश्वमोहनी। नारद ने भगवान से पूछा, वो दोनों कहां गई? बोले कौन दोनों, किस दोनों की बात कर रहे हो? बोले राजकुमारी कहां, विश्वमोहनी कहां है? बोले कौन सी विश्वमोहनी? वो सीलित राजा की बेटी। बोले सीलित कौन? श्रीनगर का राजा। बोले श्रीनगर कहां है? ये सब, बोले ये सब मेरी माया है, आपके हृदय में अभिमान का अंकुर उत्पन्न हुआ, उसे दूर करने के लिए मैंने एक माया रख ली, और उस माया के प्रभाव में आप आ गए और आपने मुझे साप दे दिया। सिर्फ आपके अभिमान को दूर करना था और कुछ नहीं। नारद जी महाराज चरणों में गिर के रोने लगे, मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे प्रभु मेरे दीन बंधु भक्त वत्सल कृपा सिंधु करुणा निधान मुझे क्षमा कर दो। मरसा होय मम साप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला, मेरे सारे साप मिथ्या हो जाएं। भगवान कहते हैं जरूरत नहीं, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है, ये सब मेरी मर्जी से ही हुआ है। आप ये मत सोचो कि अपराध आपने किया है, सच यह है ये सब मेरी मर्जी से हुआ है। जाओ जपो जाय शंकर सतनाम, भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप करो। अगर आप सहस्त्र नामों का जाप करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे।
मार्ग में मध्य में महाराज मनु रानी शत्रुपा की तपस्या का वृतांत है, रावण का जन्म है, रावण के अत्याचारों का वर्णन है, और माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु नसन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। जिस समय भगवान श्री राम का प्राकट्य होने वाला था, नौमी वाले दिन, तो अष्टमी वाले दिन महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी ने एक स्वप्न देखा, और वो स्वप्न बड़ा विचित्र था। तो दशरथ जी महाराज गुरुजी के पास गए और गुरुजी से कहा कि मैंने स्वप्न एक रात्रि में स्वप्न देखा। बोले क्या स्वप्न देखा है? बोले महाराज भोर का स्वप्न है, जरा ध्यान से सुनना, आप लोग भी स्वप्न देखते हो, लेकिन कईयों को बुरे सपने आते हैं जो रात्रि में डर के मारे आंख खुल जाती है ना, बहुत कम लोग हैं जिनको अच्छे स्वप्न आते हैं। गुरुजी के पास में गए और गुरुजी से जाकर कहा कि मुझे स्वप्न आया है, कैसा, कि भोर में मैं सरयू में स्नान करने जा रहा हूँ और स्नान करके लौटा हूँ, फिर मैं अपने प्रभु का ध्यान धर रहा हूँ, प्रभु को स्नान करा रहा हूँ, प्रभु को वस्त्र पहना रहा हूँ, प्रभु की आरती करी है, प्रभु का ध्यान धरा है महाराज, और पूरा आनंद के साथ प्रभु के साथ ही मैं उस समय पूरा आनंद ले रहा हूँ, और फिर ऐसा लगता है जैसे एक तेज नारायण के श्री विग्रह में से सीधे कौशल्या के गर्भ में चला जाता है उनका एक अद्भुत तेज, ऐसा स्वप्न मैंने देखा है। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाभियान बनाने का पीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 551,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0114756400008, मोबाइल 9212210143, वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी vssct।